के दूसरी ही जानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी ट्विटर पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मुल्क गद्दारी का ये इल्ज़ाम है और कहा जा रहा है बिलावल भुट्टो की जानिब से कि भाड़ में जाएं आप और आपका बयानिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमती वुजरा को ट्वीट के जरिए ये जवाब दिया गया, कहते हैं कि आपका बयानिया बदलता रहेगा लेकिन मेरा नज़रिया नहीं बदलेगा। जी हाँ, आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने ट्वीट के जरिए जवाब दिया है जो हुक्मरान जमात है उसके वुजरा को, क्योंकि उनकी जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया था और पंजाब असम्बली में करारदाद भी जमा करवाई गई थी मुस्तरद जमशेद चीमा की जानिब से, जिसमें उन्हें गद्दार कहा गया था। उसमें उस बयानिए के हवाले से उन्होंने अपना रद्देमल दिया है और कहा है कि आपका बयानिया बदलता रहेगा और मेरा नजरिया एक है। क्या आप जिंदगी एक फासिस्ट स्क्रिप्ट ड्रामा है? बिलावल भुट्टो की जानिब से यह कहा गया है। मुल्क गद्दारी का इल्जाम उन पर लगाया गया था और उन्होंने कहा कि भाड़ में जाएं आप और आपका बयानिया। बिलावल भुट्टो ने सख्त जुबान और लहजा इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो का ट्वीट सामने आया और उन्होंने कहा कि आपका नजरिया बदलता रहेगा और मेरा नजरिया एक है। उन्होंने कहा कि भाड़ में जाएं आप और आपका नजरिया और आपका इल्जाम। मुल्क गद्दारी का इल्जाम लगाया गया था और बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के वजरा को करारा जवाब दिया है। आपका बयानिया बदलता रहेगा, मेरा नजरिया नहीं बदलेगा, बिलावल भुट्टो का कहना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करके उनको ये जवाब दिया है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को गद्दार करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने एक और करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी है। एक करारदाद पहले जमा कराई गई और उसके बाद आज एक और करारदाद जमा करवा दी गई है। तफसीलात जानेंगे इखलाक अहमद बाजवा से। इखलाक बताइएगा, करारदाद का मतन क्या है? अखलाक बाजवा से भी अपडेट लेंगे। आपको बताएं कि दूसरी करारदाद जमा करवा दी गई है। पहली करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही रहनुमा मुस्तरद जमशेद चीमा की जानिब से जमा करवाई गई थी, जिसमें उन पर मुकदमा आर्टिकल 6 के तहत बनाने का इशारा दिया गया था और इल्तजा की गई थी। लेकिन दूसरी करारदाद आज फिर जमा करवा दी गई है और करारदाद का मतन भी यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। तफसीलात जानेंगे अखलाक अहमद बाजवा से। अखलाक बताइएगा करारदाद के हवाले से। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को करारदाद पंजाब असेंबली से माफिया ताहिर की जानिब से जमा करवाएगी। जी अखलाक, हेलो जी, अगर आप मेरी बात सुन सकते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आज पंजाब असेंबली में यके बाद दीगरे दूसरी करारदाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से जमा करवाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बयान दिया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, कालेदन तंजीमों के हवाले से, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की समापिया ताहिर ने उन्हें गद्दार वतन करार देने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवाई है, जिसके मतलब में यह कहा गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया है वो कौमी पॉलिसी से आमहंग नहीं है और उनका यह बयान मुल्क दुश्मन बयाने के मुतरादफ है और उन्होंने भारत की जुबान बोली है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें गद्दार वतन करार दिया जाए और फौरी तौर पर इनके खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, क्लाक बाजवा, बहुत शुक्रिया आपका।